हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सोनिया। अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपीज अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। दिवाली में बच्चों को ये डिश बहुत पसंद आती है, तो आज हम बनाएंगे नमकीन शक्करपारे। नमकीन शक्करपारे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, घी, अजवाइन, रेड चिली पाउडर, नमक, और डीप फ्राई के लिए हमें चाहिए ऑयल। सबसे पहले हम डो बना के लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल मैदा लिया है, थोड़ा नमक, आधे चम्मच रेड चिली पाउडर, एक चम्मच अजवाइन। हम इसे क्रश करके डालेंगे ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। और दो चम्मच घी डालेंगे। आप घी के बदले ऑयल यूज किया तो भी चलेगा। और ये सारा हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। ये डिश बहुत जल्दी और झटपट बन जाती है। इसे हम रब करेंगे इस तरीके से ताकि घी मैदा में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। घी मैदा में अच्छे से मिक्स हो गया है और हम चेक करेंगे, ये बाइंड भी हो रहा है, मतलब घी अच्छे से मैदा में मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो बना के लेंगे। हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। इसे बहुत सॉफ्ट नहीं बनाना है। हम जैसे रोटी का डो बनाते हैं सेम उसी तरीके से हम इसे डो बनाना है। और अब हम इसके दो पार्ट में डिवाइड करके लेंगे। अब हम इसमें से एक डो लेंगे और इसे हम ढक कर रखेंगे और इसे हम पतला रोल करके लेंगे। रोटी को मैंने पतला रोल करके ले लिया है और इसे रोल करते टाइम मैंने बिल्कुल भी आटा नहीं लगाया है। अब हम इसे कट करके लेंगे। इसे हम सेपरेट सेपरेट कर लेंगे और एक डिश में निकाल लेंगे। हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है और गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। अब हम इन्हें डीप फ्राई करके लेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड, डीप फ्राई करते टाइम आपको गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक डीप फ्राई करेंगे और इन्हें इस तरीके से हम चलाते रहेंगे ताकि दोनों साइड से ये फ्राई हो जाए अच्छे से। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और ये क्रिस्पी भी बन गए हैं। इसी तरीके से हम सारे शक्करपारे बना के रेडी करके लेंगे। फाइनली फ्रेंड्स, हमारे डेलीशियस नमकीन शक्करपारा बनकर रेडी हो गया है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊंगी कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करिए। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।